दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे दो मिड रेंज लेवल स्मार्टफोन के बीच में, जिसमें हमारा पहला स्मार्टफोन है Realme Narzo 50 5G वर्सेस iQOO Z6 5G स्मार्टफोन। और आपको बताएंगे कि दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में से किसका कैमरा ज़्यादा बढ़िया है, किसकी डिस्प्ले ज़्यादा बढ़िया है, या ओवरऑल कौन सा फ़ोन यहाँ पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि Realme के अंदर हमें 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ iQOO के अंदर हमें 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले के मामले में दोनों स्मार्टफोन एक जैसे ही हैं, क्योंकि भाई AMOLED पैनल ना हमें दोनों में से किसी में भी नहीं दिया गया, देना चाहिए था यार, सच बता रहा हूं। और वहीं अगर मैं बात करूं पिक्सल डेंसिटी की, तो यहां पर Realme फोन के अंदर है 400 PPI की, वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन के अंदर है 401 PPI की। साथ ही दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का स्पेक्ट रेशियो है 20:9। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आपको बता दूं कि Realme का फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 के साथ में आता है, जो कि Realme UI 3.0 पर बेस्ड है। और वहीं दूसरी तरफ iQOO का फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 के साथ में आता है, जो कि FunTouch 12 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन तगड़े हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ चिपसेट की, तो यहाँ पर Realme फोन के अंदर हमें Dimensity 810 5G चिपसेट दिया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और वहीं दूसरी तरफ iQOO के अंदर हमें Snapdragon 695 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं कि दोस्तों चिपसेट के मामले में जो हमें iQOO के अंदर Snapdragon 695 दिया गया है ना, भाई तगड़ा चिपसेट है। और दोस्तों आपको कि दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है। साथ ही दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर LPDDR4X रैम को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के बैक कैमरा सेटअप की। तो आपको बता दूं कि Realme के बैक में यहाँ पर ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ iQOO के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। और सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों Realme की। तो Realme के फोन का मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। और वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, और जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। यानी कि दोस्तों आप मान के चलिए कि दोनों के अंदर सिर्फ एक ही कैमरा दिया गया है, इसके अंदर 48 का और इसके अंदर 50 का, और बाकी तो भाई यूजलेस ही है। और वहीं अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो दोनों स्मार्टफोन के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर स्लो मोशन मोड को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों फ्रंट कैमरा की। तो आपको बता दूं कि Realme के फ्रंट में हमें सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 8 मेगापिक्सल का। और वहीं दूसरी तरफ iQOO के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यानी कि सेल्फी लवर्स के हिसाब से तो भाई यहाँ पर iQOO का फोन ही बेस्ट है। और वहीं अगर मैं बात करूँ फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी की। तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं फास्ट चार्जिंग की, तो यहां पर Realme का फोन तो 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ iQOO का फोन सिर्फ 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। जी हां दोस्तों, सिर्फ 18 वोल्ट, 33 नहीं दे रहे भाई iQOO वाले, दिल तोड़ दिया यार तुमने फिर दोबारा से। यानी कि दोस्तों अगर आपको अच्छी फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन लेना है ना, तब आप यहाँ पर Realme की तरफ जरूर से जा सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी की। तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। साथ ही 3.5 mm जैक हमें दोनों स्मार्टफोन के अंदर दिया गया है। और वहीं अगर मैं बात करूँ स्पीकर्स की, तो Realme का फोन यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ iQOO का फोन सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ सिंगल स्पीकर। यानी कि दोस्तों अगर आपको एक अच्छे म्यूजिक लिस्टिंग वाला स्मार्टफोन लेना है ना, तब आप यहाँ पर Realme की तरफ जरूर से जा सकते हैं। और वहीं अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें इनसाइड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी दिया गया है। और अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि Realme फोन के 4+128GB वेरिएंट की कीमत है 16,999 रुपए, वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन के 4+128GB वेरिएंट की कीमत है 13,999 रुपए। बाकी दोस्तों पसंद आपकी है कि आपको दोनों स्मार्टफोन में से किस वाले को बाय करना है, Realme को या iQOO को, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलेगा। और साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।